IC 814। फ्लाइट टेक ऑफ होने के 15-20 मिनट के बाद उन्होंने शोर मचाया था कि हेड्स डाउन कर लो सारे, आपका प्लेन हाईजैक हो गया है। खाना सर्व हुआ था, उन्होंने खाने की ट्रेस फेंकवा दी थी नीचे। 2 दिन तक हमारे हेड्स डाउन ही रहे। कहाँ गई फ्लाइट, कहाँ हम 8 दिन रुके रहे, हमें कुछ नहीं पता। अंदर पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं पता। हम आपका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट कर देते हैं, तो उसने अनाउंस कर दिया था पूरे प्लेन में कि ऐसे ऐसे बर्थडे है, तो सब पैसेंजर्स ने गिफ्ट पे 26 को जाके थोड़ा सा वो नॉर्मल हुए, फ्रेंडली था, वो बातें करता था। एक जो हाईजैक बर्गर नाम का हाईजैकर था, वही थोड़ा सबसे बातें करता था। बस वो कह रहे थे हम आपकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। बस 8 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। सिर्फ चीफ के हाथ में ग्रेनेड होता था, बाकी सबके नाइफ था। फिर बाद में पिस्टल्स भी आ गई थी, वो बाद में आई, पता नहीं कहाँ से आई। कोड नेम भोला शंकर ही बोलते थे। ठंड थी तो उसने बर्गर ने मुझे ये शॉल गिफ्ट किया। 30/12/1999। इसके लिखने से पहले तो वो बोल चुके थे कि अब हम सबको मारने लगे हैं, अब हम प्लेन उड़ा देंगे, अब आप अपने भगवान को याद कर लो। हमें पता ही नहीं था, 8 दिन नहीं पता था कि हम कंधार में खड़े हैं। हम जा रहे हैं, अब हमारी मांगे पूरी हो गई हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। तो सबने चिल्ला के बोला नहीं, हमको दोबारा नहीं मिलना। ये चम्मच है, ये बोर्डिंग पास और ये एयर टिकट जो इंडियन एयरलाइंस की उस समय की थी। IC 814, ये नाम अब भारत में काफी चर्चा में है, और इसलिए चर्चा में है क्योंकि कंधार हाईजैक जो प्लेन हुआ था इंडियन एयरलाइंस का, उस पर जो वेब सीरीज बनी है उसके बाद से चर्चा काफी जोरों पर है। लेकिन उस प्लेन हाईजैक में जो लोग थे उन पर क्या बीती होगी, वो 8 दिन जब वो बंधक रहे उन पर वो जो समय था वो किस तरह का रहा होगा, उन्हीं में से एक सर्वाइवर पूजा कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, काफी बिजी हैं आप इन दिनों, लगातार सुर्खियों में भी हैं, लेकिन मैं पूछूंगा कि जब वो फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, जैसे ही वो नेपाल का जो एयर बॉर्डर था उससे क्रॉस की, 5 लोग आते हैं प्लेन में और पता चलता है प्लेन हाईजैक हो गया, आपको कब पता चला, क्या उस टाइम हुआ? फ्लाइट टेक ऑफ होने के 15-20 मिनट के बाद उन्होंने शोर मचाया था कि हेड्स डाउन कर लो सारे, आपका प्लेन हाईजैक हो गया है। तब हिंदी बोल रहे थे? हाँ जी, हिंदी बोल रहे थे। और तब तो हमें पता भी नहीं था हाईजैक होता क्या है, कि क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हैं ये। तब खाना सर्व हुआ था, उन्होंने खाने की ट्रेस फेंकवा दी थी नीचे कि नीचे फेंक दो खाना और हेड्स डाउन कर लो। उसके बाद 2 दिन तक हमारे हेड्स डाउन ही रहे। क्या हुआ, जो कैप्टन बोलता था बस वही सुनता था। तो काठमांडू से दिल्ली जाना था लेकिन फ्लाइट नहीं जा पाई, तो कब लैंड हुई तब आपको पता, आप कहाँ पे लैंड हुए हो? नहीं, हमें सिर्फ एक अमृतसर का जरूर कैप्टन ने अनाउंस किया था कि अब हम अमृतसर में लैंड हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ऐसे लगा कि चलो इंडिया में ही है। उसके बाद कहाँ गई फ्लाइट, कहाँ हम 8 दिन रुके रहे, हमें कुछ नहीं पता। अंदर पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं पता था। आप, आई थिंक आपका बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट? हाँ जी, वो फैमिली साथ ही, मेरे हस्बैंड थे। अच्छा। और एक एक जो उसमें हाईजैकर था उसको बोला था मैंने कि मेरा बर्थडे है, प्लीज छोड़ दो। तो बट उसने कहा कि छोड़ने तो हमारे अभी उसमें है नहीं, बट हम आपका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट कर देते हैं। तो उसने अनाउंस कर दिया था पूरे प्लेन में कि ऐसे ऐसे बर्थडे है, तो सब पैसेंजर्स ने गिफ्ट भी दिए। कितने दिन बाद आपका बर्थडे था, यानी कि 27 को था? 27 24 को हाईजैक हुआ? हाँ जी, 24 को हाईजैक हुआ था। 2 दिन तो टेरर में ही थे, हेड्स डाउन ही रखा। 26 को जाके थोड़ा सा वो नॉर्मल हुए, फ्रेंडली था, वो बातें करता था। एक जो हाईजैक बर्गर नाम का हाईजैकर था, वही थोड़ा सबसे बातें करता था। फिर उसी ने ही बात शुरू करी। फिर उसको मैंने बोला कि कल ऐसे मेरा बर्थडे, आप प्लीज छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो ऐसा बस उसने कह रहा हम प्लेन में ही आपका बर्थडे मना देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आप कंधार अफगानिस्तान में? हमें कुछ नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता था कि वो क्या मांग रहे हैं या किस लिए किया है। बस वो कह रहे थे हम आपकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अंदर हमें कुछ भी नहीं पता था। तो अंदर जब इतने दिन रहे आप लोग,
खाना पीना के अंदर सर्वाइवल जो होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस था? स्ट्रेस था, टॉयलेट्स का बड़ा स्ट्रेस था, इतने ओवरफ्लो हो गए थे, स्टिंकी हो गए थे, स्मेल इतनी आती थी, और खाने को कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एप्पल दिया था, कह लो 26 को ही दिया था, वो भी उससे भी क्या होता, बस 8 दिन कुछ नहीं खाया हमने, कुछ नहीं। तो जब वो ओवरफ्लो हो गए, तो ये भी जिक्र है उसमें कि जो कैप्टन थे देवी शरण, वो प्लस वहां जो हाईजेकर्स ने कंधार से एक आदमी आया, अंदर प्लम्बिंग लाइन खोली, आ तो रहे थे लोग, बट हमें पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं पता चलने दे रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इतना पता था कि लाइट भी बीच में चली गई थी, 3-4 दिन के बाद भी इंजीनियर आ रहा है लाइट चेक करने, इंजीनियर ठीक कर रहा है, बस इतना बोलता, कैप्टन आके जो अनाउंस करता था हमें वो पता था बस। तो कैप्टन बीच में आपको सांत्वना भी देते थे कि हौसला रखिए या कुछ, या सिर्फ अनाउंस करते थे कि ये चीज़ ऐसी? नहीं नहीं, वो आके बोलते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर सेफली पहुंचे, बाकी तो सीरीज में सब जो सीरीज में दिखाया वैसा का वैसा ही रियलिटी थी कि जैसे वो करते थे वैसा ही हुआ था। तो जो बर्गर था जो काफी घुल मिल गया था आप लोगों के साथ, बाकी चार नहीं बोलते थे, सिर्फ बर्गर ही बोलता था? जो चीफ था वो तो बाहर ही नहीं आते थे, वो तो अंदर ही कॉकपिट में ही रहते थे, जो बाकी चार थे उसमें से उनकी भी ड्यूटीज लगती थी, 2 दिन में रहते थे, 2 रात में रहते थे, तो जो बर्गर था वो सबसे बातें कर लेता था। तो उनके हाथ में वेपन थे? हाँ, नाइफ था एक, सिर्फ चीफ के हाथ में ग्रेनेड होता था, बाकी सबके नाइफ था, फिर बाद में पिस्टल्स भी आ गई थी, वो बाद में आई, पता नहीं कहाँ से आई। अच्छा, एक और उसमें जो मूवी हम देख रहे हैं उसमें ये था कि नाम थे उनके इंडियन रखे थे, वो नाम वाकई वो बोलते थे या क्या थे? हाँ जी, वो उनके, बस यही कंट्रोवर्सी में मुझे लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उनके वो उस वक्त यही बोलते थे, कोड नेम भोला शंकर ही बोलते थे, और मैंने तब भी 25 साल पहले भी इंटरव्यू में यही पांचों नाम ही बोले थे, ये अब कोई उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, ये उनके कोड नेम्स थे। हाँ जी, तो फाइनली जब आपका बर्थडे मनाया गया, एक शॉल आपके हाथ में हम देख रहे हैं जिससे बचे भी रहे। हाँ जी, ठंड थी तो उसने बर्गर ने मुझे ये शॉल गिफ्ट की, आपको हाईजेक करने की? हाँ जी, ये उसने ओढ़ी हुई थी तो उसने मुझे ये गिफ्ट की, और इस पे लिखा भी हुआ है कुछ? हाँ जी, ये फिर उसने मुझे ये लिख के दिया था, यानी कि बर्गर पढ़ा लिखा था हम कह सकते हैं जो हाईजेक कर। हाँ जी हाँ जी, तो ये इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, टू माई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड, और इसका नाम बर्गर, 30/12/1999। तो एक हाईजेकर ने जब आपको शॉल दी और लिख के दिया, उस समय लगा कि ये आखिर क्यों हो रहा है, जब इतना अच्छा इंसान अगर आपको अपनी शॉल गिफ्ट कर रहा है? नहीं, इसके लिखने से पहले तो वो बोल चुके थे कि अब हम सबको मारने लगे हैं। अच्छा। अब हम प्लेन उड़ा देंगे, अब आप अपने भगवान को याद कर लो, ये तो बात की बात है। अच्छा। उससे पहले तो वो सबको बोल चुके थे, तब तो हमें लगा था कि अब हम नहीं बचेंगे। शूट भी किया गया था वो तो फर्स्ट डे, उसको पायलट को डराने के लिए किया होगा, ये लास्ट डे जब उन्होंने बोला कि आपकी गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं मान रही तो अब हम सबको मारने लगे हैं, तो फिर उसके बाद मान ली होंगी बातें, फिर उसके बाद ये उसने लिखा था। तो आपको जब पता चला फाइनली 8 दिन बाद कंधार में, आप कब पता चला कि आप अफगानिस्तान में हो और हम यहाँ से जाने वाले हैं? हमें पता ही नहीं था, 8 दिन नहीं पता था कि हम कंधार में खड़े हैं, लास्ट डे तक नहीं पता था हमें, ये तो जब ये लास्ट डे उन्होंने दी, उर्दू में लिखा हुआ दिखा कुछ, तो पता चला कि ऐसे किसी कंट्री में है। अच्छा। हमें नहीं पता था कि अंदर हम कहाँ पर हैं। तो प्लेन वापस जब वहाँ से, आपको कब पता चला कि वो वापस वहीं उतर गए और आप जब उड़ने लगा प्लेन वापस इंडिया के लिए? उन्होंने किया था कि अब हम जा रहे हैं, अब हमारी मांगे पूरी हो गई हैं, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे, तो सबने चिल्ला के बोला नहीं हमको दोबारा नहीं मिलना। फिर वो चले गए, उसके बाद फिर 2 प्लेन आए थे लेने, उसमें जसवंत सिंह जी भी थे, उनके साथ हम, हाँ जी उनके साथ हम वापिस आए थे। तो फाइनली जब प्लेन आए, पता चला, राहत की सांस सभी ने ली? हाँ जी, उसके बाद तो सब इतने खुश थे कि सब गले मिल रहे थे कि फाइनली बच गए। और ये कुछ आपने यादें भी संजोई हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए कि एक पूरी आपकी कटिंग है उस समय, जो प्रिंट अखबार हुआ करते थे 99 के दौर, ये बोर्डिंग आपके पास, आपने संभाल के रखे हैं, और ये भी मैं दिखा दूं, ये टिकट्स, ये आपने उस समय एक रखा था, ये चम्मच आपके, ये उस प्लेन के ये चम्मच है, ये बोर्डिंग पास, और ये एयर टिकट जो इंडियन एयरलाइंस की उस समय की थी, ये पेप्सी का केन, इसकी भी कहानी क्या है? ये बस लास्ट डे जब वो हाईजैकर्स चले गए थे तो खाने को कुछ मिला था,
अब तक पता भी नहीं है कि वो क्या था, रोटी थी बड़ी सी, खाई नहीं गई, ये पेप्सी भी दी थी उन्होंने बट ने पी नहीं, ऐसे बंद की बंद में वापस ले आई थी। और एक ये जो सीट के साथ, हाँ ये सीट के साथ होता है, ये भी आप ले आए? हाँ जी। तो लोग तो, लोग तो उनके हैंडल भी उखाड़ के ले गए थे, जो भी मिल रहा था सब लेके गए थे वहाँ से, मुझे जो मिला मैं वो ले आई। जब वापस घर पहुंचे चंडीगढ़ तो जाहिर तौर पर परिवार रिश्तेदार दोस्त मिले, वो रात आप जो लोगों को नींद आई आप लगा कि बाकी हम वापस आ गए? हमें तो मतलब इतना पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, यहाँ आकर पता चला कि कुछ ज्यादा ही बड़ा इंसिडेंट था ये। तो फिर उसके बाद तो दोबारा कह लो VIP ट्रीटमेंट मिला आके, अच्छा लगा कि हाँ बच के आए हैं, दूसरा जन्म मिला है हमें। हाँ जी। मूवी आपने देखी जो अभी? हाँ जी देखी। कैसी लगी आपको? वही ठीक है, फैक्ट है, ट्रू इवेंट है। कुछ कुछ चीजें तो हमें भी नहीं पता थी कि जो पायलट कैप्टन ने फ्यूल का वो टैंकर वो किया था, हमें नहीं पता था उसके बारे में कुछ, और बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता था, गवर्नमेंट ने कैसे वो किया हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अंदर तो बस नॉर्मल दो दिन स्टार्टिंग के उन्होंने टेरर में रखा, और लास्ट के जो जब उन्होंने बोल दिया था कि अब हम मारने लगे हैं सबको। कई बार ऐसा हुआ जब मूवी देख रहे होते हो आपको लगा कि नहीं देख नहीं पाऊंगी पूरी मूवी और बंद किया बीच में, फिर देखा हिम्मत करके? हाँ जी, बस स्टार्टिंग में जब उन्होंने मंकी कैप डाली उस वक्त मैंने बंद कर दी थी, बट फिर भी देखी, दोबारा देखी तो लगा कि हाँ कुछ कुछ तो हमें भी नहीं पता कि ऐसा भी हुआ था। उस फ्लाइट में पैसेंजर से जो आपके आसपास थे है ना, साथ वाले सीटियों पे, तो बाद में कभी बात हुई उनसे, मिले कभी कुछ, कौन थे? नहीं, तब एक्चुअली फोन्स नहीं होते थे तो किसी के फोन नंबर नहीं था, लैंडलाइन तब याद ही नहीं रहा कहाँ लिखते, कुछ था ही नहीं, इसलिए किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। एक जिन जो को पायलट थे उनका बीच में कॉल आया था, उन्होंने कोई बुक रिलीज की थी उन्होंने कॉल किया था बस। हाँ जी, तो ये आपकी यादें आपने अभी तक रखी हुई अपने साथ? हाँ जी हाँ जी, मेरे लिए तो मेमोरी है ये बिल्कुल। और ये शॉल की वजह से आप बचे रहे, और इसमें बर्गर का नाम एक बार फिर से दिखाऊंगा कि देखिए प्लेन फोक मारने रहे हैं, दूसरी तरफ वो शॉल भी दे रहे हैं, आप फंसे हुए वो इतनी 170-180 के करीब लोग। बस उस वक्त डर के माहौल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जो भी वो कर रहे थे, क्योंकि कैप्टन भी बोल के गया था जो ये बोलते हैं आप कोऑपरेट कीजिए, तो जो वो बोल रहे थे हम कर रहे थे, जैसा जैसा वो बोल रहे थे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप करते रहे। हाँ जी, चलिए सुकून की बात है कि वापस सबकी जान बच, हम बच के आए, बस ये हमारे लिए। और ये पूजा जी ने यादें जो हैं सहेज कर रखी हैं, देखिए सहेज कर रखी हैं, ये टिकट्स हैं, बोर्डिंग पास तक अभी संभाल के रखे हैं, कटिंग्स हैं उनके पास, ये दो चम्मच हैं, ये जो सीट के साथ होता है, तमाम एक तरह से इन यादों को आप कैसा देखते हैं जब भी आप बाहर निकालते हैं? मैं तो अब ये सीरीज हुई है आई है तब दोबारा से ये बाहर निकली है, तो देख के फिर से वो मेमोरीज आ रही हैं कि कैसा टाइम निकाला, वो डर लगता है कि अब दोबारा ना हो किसी के साथ भी ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया कि लगाओ कि नहीं जा पाएंगे वापस, होता है ना कि पता नहीं क्या होगा, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे? हाँ जी, वो तो 8 दिन चलता रहा था मन में कि पता नहीं वापस जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हाईजैकर्स को भी नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे, वो भी 2 दिन लेके चले थे, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मैंने ये कहते सुना था कि एयर होस्टेस को कि पानी कम दो, 2 दिन तक कम पड़ेगा, मतलब वो भी सिर्फ 2 दिन लेके चल रहे थे, बट ये 8 दिन निकल गए, उनको भी नहीं पता था। अच्छा पूजा जी, कुछ ऐसी बात जो इस सीरीज में मूवी में नहीं दिखाई गई हो आपको याद हो, या कुछ ऐसा ही घटना जो अभी तक आपने जिक्र ना किया हो लेकिन वो एकदम से आपको लगा कि नहीं बतानी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा हमसे ज्यादा तो कैप्टन को पता है चीजें, तो जो उन्होंने बताई है वही सब कुछ दिखाया उसमें, वही सब कुछ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, थैंक यू। तो पूजा कटारिया उस फ्लाइट में सवार थी 24/12/1999 को, ये फ्लाइट हाईजैक हुई, 8 दिन तक बंधक बन के रहे, जो आतंकी थे वो छोड़े गए, लेकिन बचकर आए वापस, सर्वाइवर हैं, और ये जो यादें थी वो रखी सामने और उसको मूवी बनी। लेकिन इतना जरूर है कि इंसान की जिंदगी की कीमत वाकई बहुत होती है, और इसलिए वो आज जो अपने पास यादें हैं संभाल कर रखी हैं, और सोचिए कि इंसान जब वो मूवी देखता हो और उस मूवी का वो चश्मदीद हो तो क्या मन में चल रहा होगा। तो तमाम ये जो यादें हैं पूजा जी ने अभी भी सहेज कर रखी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।